नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पैसे की कमी से जूझ रही कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वो पार्टी के खजाने में हर साल 50,000 रुपए दें। पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील बंसल ने पार्टी के खजाने को भरने के लिए तमाम बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। इसमें कॉस्ट कटिंग भी शामिल है। पवन बंसल ने कहा कि हमें खर्चे को कम करना है और वे एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सचिवों से लेकर राष्ट्रीय महासचिवों तक से इन कदमों को मानने की अपील की गई है। इन कदमों के तहत सचिवों से कहा गया है कि वे ट्रेन से यात्रा करें, जबकि ऐसे महासचिव जो सांसद भी हैं उनसे कहा गया है कि वे उन्हें मिलने वाले हवाई भत्तों का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश की आज़ादी के 74 साल पूरे होने से एक दिन पहले मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मोदी ने कहा कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में ही हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएँ भी मजबूत होंगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहबी आततायियों की घृणित मानसिकता के कारण भारत का दुखद विभाजन हुआ। विस्थापन के दौरान असंख्य निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। उनके बलिदान की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अफगान लोगों पर युद्ध नहीं थोपने देंगे, जो पिछले 20 सालों में कमाया गया है उसे खोने भी नहीं देंगे और लोगों की हत्या नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है। गनी ने कहा कि वो जानते हैं कि लोगों को अपने भविष्य की चिंता है। हालांकि गनी ने अपने संबोधन के दौरान तालिबान की उस मांग को लेकर कुछ भी नहीं बोला जिसमें उसने युद्ध विराम के लिए गनी के इस्तीफे की मांग की थी। इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। शुक्रवार को कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके लोगार प्रांत की राजधानी फूले आलम में दाखिल हो गए। ये बेहद खतरनाक स्थिति है क्योंकि लोगार काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से राजमार्ग पर तेज रफ्तार से चलते हुए 2 घंटे में ही राजधानी पहुँचा जा सकता है। बता दें, तालिबान ने एक हफ्ते में 12 प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया है। अब तक कुल 18 प्रांतों की राजधानियों पर उसका कब्जा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से अफगानिस्तान में हो रहे हमलों को रोकने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान नियंत्रण से बाहर हो रहा है। गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि यह आक्रामकता को रोकने का समय है, यह गंभीर बातचीत शुरू करने का समय है, यह अफगानिस्तान को लंबे गृह युद्ध से बचाने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये रिपोर्ट्स देखकर भी परेशान हैं कि कैसे तालिबान अपने कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान लड़कियों और महिलाओं द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को उनसे छीने जाने की खबरों को देखना भयावह और तकलीफदेह है। पंजाब में प्रवेश के लिए अब लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर पूर्ण कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट जरूरी होगा। ये नियम सड़क, रेल या हवाई मार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होगा और अगर किसी के पास टीकाकरण सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और वो हाल ही में कोरोना से उभरा है तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया है कि वो CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि योगी जिस भी सीट से लड़ेंगे वो वहीं से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश काडर के IPS अधिकारी ठाकुर को समय से पहले रिटायरमेंट दे दिया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अफगानिस्तान में बन रहे खतरनाक हालात को देखते हुए 20,000 अफगान लोगों को कनाडा में शरण देने को कहा। ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं और वहां के लोगों की जिंदगी खतरे में है। उनकी मदद के लिए हम अपने रिसेटलमेंट प्रोग्राम का विस्तार कर रहे हैं। हम 20,000 अफगान लोगों को शरण देंगे और इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 लोगों को अपना जनसंपर्क अधिकारी यानी PRO बनाया है। खास बात यह है कि इसमें से 3 को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों का काम देखेंगे।
पीआरओ को आमतौर पर कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं और निश्चित तौर पर इन पर होने वाला खर्च आम आदमी के टैक्स से सरकार को मिलने वाले धन से वहन किया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तराखंड में संघ में जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं की हालिया बैठक में अफसरों और संघ कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर जोर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अधिवक्ता मोक्ष खजूरिया काजमी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लौटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2 सालों में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को 4थी बार वापस किया है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 2 वकीलों खजूरिया काजमी और रजनीश ओसवाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस दौरान भी सरकार ने ओसवाल को मंजूरी दे दी, लेकिन काजमी की फाइल लंबित रही। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि पिछले महीने कानून मंत्रालय ने खजूरिया काजमी की फाइल को बिना कोई कारण बताए ही पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।